आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ वॉइस और मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। तीन नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम सोमवार से प्रभावित होने वाले हैं, जो औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। इन नए कानूनों में तकनीकी प्रगति को एकत्रित किया गया है, जिसमें पुलिस जांच, अदालती सुनवाई और उन खामियों को दूर करने के लिए कई आधुनिक सहायताएं शामिल हैं जो पहले न्याय से देरी करती थी। इसमें आतंकवाद जैसे अपराधों की शुरुआत, देशद्रोह, भीड़ द्वारा हत्या, संगठित अपराध, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए बढ़ी हुई सजा शामिल है। पहली बार BNS के तहत छोटे मोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा को सजा के रूप में पेश किया गया है। जांच के मोर्चे पर नए कानून EFIR दर्ज करने, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को प्राथमिक सबूत बनाने और अदालतों द्वारा सुनवाई पूरी करने और निर्णय सुनवाई के लिए समय सीमा तय करने की साक्ष्य बनाते हैं। नए कानून में वैवाहिक बलात्कार के लिए छूट भी बरकरार रखी गई है, जो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के सक्षम विचाराधीन एक मुद्दा है। नई दंड संहिता अपराध और सजा को फिर से परिभाषित करती है, जिसमें पहली बार आतंकवाद भी शामिल है, जिसमें देश की आर्थिक सुरक्षा को शामिल करते हुए एक विस्तारित परिभाषा दी गई। नकली मुद्रा या सिक्का बनाना अब BNS के तहत एक अलग अपराध है, खासकर अगर ऐसे कृत्य भारत की स्थिरता को प्रभावित करते हैं तो उन्हें आतंकवाद के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। मॉब लिंचिंग, जो पहले कोई विशेष अपराध नहीं था, 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या अन्य कारणों से किए जाने पर मृत्यु या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। संगठित अपराध, जिसे अब धारा 111 के तहत परिभाषित और दंडनीय माना जाएगा, में अपहरण, डकैती, वाहन चोरी, जबरन वसूली, भूमि हड़पना, अनुबंधन हत्या, आर्थिक अपराध वगैरह जैसी कई तरह की गतिविधियां शामिल हैं। कानून चेन स्नैचिंग, चोरी, धोखाधड़ी और परीक्षा पत्रों की बिक्री सहित छोटे संगठित अपराधों को भी दंडित करता है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में नया कानून वैवाहिक संबंधों में महिलाओं के खिलाफ क्रूरता को परिभाषित करने वाले प्रावधानों को पेश करता है और अदालती कार्रवाई के प्रकाशन को दंडित करता है, जो बलात्कार पीड़ित की पहचान को उजागर कर सकता है।